दोस्तों, कल्पनाओं का, अनेक कल्पनाओं का समंदर है अंगूठे पर बना ये चांद, जिसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ऐसी कल्पनाएं दोस्तों, कुछ ऐसी कल्पनाएं जो कल्पनाएं व्यक्ति चाहे तो पूरी कर सकता है। कल्पनाएं यानी कि इमेजिनेशन। ओम नमः शिवाय। और कुछ ऐसी कल्पनाएं होती हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे इमेजिनेशन हैं, कुछ ऐसी चीजें हम इमेजिन कर सकते हैं जो हम अपने अथक प्रयासों से, मेहनत से उन सपनों को, उन कल्पनाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कल्पनाएं भी होती हैं दोस्तों, जिन कल्पनाओं को हम कभी पूरा नहीं कर सकते। वो कल्पनाएं ऐसी होती हैं जो कि इस ब्रह्मांड से बाहर की होती है। ऐसी ही कुछ विशेष कल्पनाओं को करने वाले, कुछ इमेजिनेशन करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ के अंगूठे के ऊपर बना चांद, स्त्री हो अथवा पुरुष दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, हाथ पर अंगूठे पर बना चांद, ऐसी कल्पनाओं का विकल्प, ऑप्शन, ऐसी कल्पनाओं का गुण इन चांद वालों को देता है। वो ऐसी कल्पनाएं हैं दोस्तों, जो कल्पनाएं अगर हम करें तो उन कल्पनाओं को हम पूरा कर सकते हैं। ऐसे अद्भुत गुण जिनके अंगूठे पर चांद है उनके होते हैं। और यही अद्भुत गुण कल्पनाओं का, कल्पनाएं करने वाले, क्योंकि मैंने कहा है कि जिनके अंगूठे पर चांद होता है ऐसे स्त्री पुरुष बहुत सारी कल्पनाएं करते रहते हैं कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये होता, मैं वो होता, या मुझे बनना है। लेकिन कुछ ऐसे स्त्री पुरुष होते हैं जो इन कल्पनाओं के लिए काम करते हैं, इन कल्पनाओं के लिए हमेशा लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, अथक प्रयास करते हैं। और मेरे हिसाब से अथक प्रयास करने वाले ऐसे कल्पनाशील व्यक्ति अपने जीवन में आसानी से बहुत कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि कल्पनाएं करना कुछ बुरी बात नहीं, कल्पनाएं करना कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन कल्पनाओं पर 100% उतरना, उन कल्पनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत मेहनत करना, ये गुण भी ऐसे ही लोगों के हाथ में पाए जाते हैं जिनके अंगूठे के नाखून पर चांद होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चांद जो अंगूठे पर बनता है मेरे दोस्तों, ये जो कमी है, कैल्शियम की कमी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अंगूठे पर बनने वाला चांद जो है कुछ और चीजों को दर्शाता है। कुछ कहते हैं कि हार्ट के मरीज होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। अगर ज्योतिष शास्त्र की अगर हम देखें, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री की अगर हम देखें, तो वैदिक ज्योतिष या वेद हर अंग का, शरीर में जितने भी चिन्ह हैं, चाहे वो हथेली पर बाली क्यों ना हो, नाखूनों की बनावट ही क्यों ना हो, नयन, नक्श, कान, आंख, नाक, पूरा शरीर, हर आपकी हर एक किस्मत के बारे में, आपके जीवन में होने वाले हर एक फल के बारे में स्पष्ट रूप से क्लियरली इंडिकेट करता है। उसी तरह का ये चांद, अंगूठे पर बना चांद, जैसे कि आपको पता है कि इस अंगूठे पर चांद के निशान की मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले से ही बनाई। आपने अगर यदि नहीं देखी तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत सारी डिटेल्स हर एक वीडियो में दी है। उसी तरह की खास डिटेल्स में इस आज की वीडियो में मेंशन कर रहा हूं। दोस्तों, कल्पनाओं का समंदर मैंने इसलिए कहा कि जिनके हथेली के अंगूठों यानी कि हाथ के अंगूठे के ऊपर यदि चांद है, बनता है, छोटा है, बड़ा है, मैं सबके लिए बात कर रहा हूं, जिनके भी अंगूठों पर चांद बनता है, ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं। और कल्पनाशील का एक स्पष्ट मतलब है, ये कल्पनाशील होना संकेत देता है, इंडिकेट करता है कि इन व्यक्ति और ये व्यक्ति जीवन में असफल नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि जो सपने देखता है वो पूरा करने की भी कोशिश करता है। लेकिन कई ऐसी प्राणी, कई ऐसे मनुष्य भी आपको मिल जाएंगे मेरे दोस्तों, इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर, आपके आसपास, जो लोग कभी सपने देखते ही नहीं,
और जो सपना नहीं देखता वो भला सपने को पूरा कैसे कर सकता है। इसीलिए ऊंचे तबके के लोग वही माने जाते हैं, अपने जीवन में सफल वही होते हैं जो सपना देखते हैं, और जो सपना देखेगा उसे साकार करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। सो लवली फ्रेंड्स, आप कामयाब होंगे। और यदि कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि मेरे हाथ पर अंगूठे पर चंद्रमा बना हुआ है गुरुजी, दोनों पर बना हुआ है, और कई लोगों के तो 10 उंगलियों पर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमारा भाग्य अभाग्य है, हम लकी पर्सन नहीं है, तो इस सिचुएशन में आपको कहूंगा कि यदि आपके साथ भी यही बात है तो मेरे दोस्तों स्पष्ट रूप से ये संकेत मिलता है कि आप मेहनत कम कर रहे हैं, या फिर आपके काम में कुछ कमी है जिस कमी को आपको दूर करना है। बस आप अपने अंदर की कमी ढूंढिए, उस कमी को पूरा कीजिए और एक समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिलता ही नहीं। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्याम न च पौरुषार्थम, भाग्य का फल ही सर्वत्र मिलता है और यही भाग्य का संकेत ये चंद्रमा देता है। यदि आपके हाथ में है, जिनके अंगूठे पर चंद्रमा है वो भाग्यशाली हैं, मैं इस बात को 100% प्रमाणित कर सकता हूँ, इस बात को प्रमाण के साथ में कह सकता हूँ कि जिनके अंगूठे पर चांद है वो निश्चित रूप से सफल होते हैं। पर चांद दर्शाता है, जिनके भी अंगूठे पर चांद होता है उनके जीवन में कड़ी मेहनत होती है। मेरे दोस्तों, कड़ी कामयाबी के लिए ऐसे व्यक्तियों को लड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और यदि मेहनत अगर आपकी रंग लाई, यदि आपने मेहनत करी तो अंगूठे पर बना चांद आपको हर एक सुख देता है जीवन में। कौन से सुख की सोच रहे हैं? पैसा, गाड़ी, धन, बंगला, नाम, नेम, फेम, ऐश्वर्य, पत्नी, पति, बच्चे, अरे सब आपको मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है और जो सिचुएशन है उसको सरवाइव करना है। सरवाइव करोगे तो कामयाब बन जाओगे, और कामयाबी हर एक फील्ड में मिलेगी आपको। ये चांद यही तो दर्शा रहा है कि आप हृदय से बहुत बड़े दिल वाले हैं और ये गुण आपके अंदर होगा। अगर नहीं है ना मेरे दोस्तों, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, कमेंट करना कि गुरुजी आप गलत कर रहे हैं, हमारा हृदय छोटा है, हमारा बड़ा हृदय नहीं है, ऐसा लिखना। आप अच्छे इंसान नहीं हैं, ये भी लिखना। लेकिन मेरा जो एनालिसिस, मेरा जो विश्लेषण, प्रेडिक्शन कहती है जिनके अंगूठे पर चांद है वो इंसान होते हैं, और इंसान वही होगा जिसके हृदय में, जिसके दिल में दूसरों के लिए प्रेम, सहयोग की भावना होगी, धार्मिक होगा, पूरी प्रकृति में भगवान को समझता होगा, हर एक इंसान के अंदर भगवान को समझता होगा, हर एक प्राणी के अंदर भगवान को समझता होगा, क्योंकि आखिर किस्मत को बनाने वाला वही तो है ना, पूरी सृष्टि को चलाने वाला है वही तो है ना। हाँ ठीक है, हम ये कहें कि हम इंजीनियर हैं, हम कलपुर्जे बना सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, हम बहुत सारी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इस धराधाम को, इस पूरे गोले को, इसको ब्रह्मांड को हम हैंडल नहीं कर सकते। इसका मतलब बड़ा इंजीनियर कोई बैठा है। ये तो सिंपल सी और साधारण और हर एक को समझाने वाली बात है। तो कल्पनाओं का समुन्द्र आपके अंदर उमड़ रहा है, बस चाहिए ये कि आपकी कल्पनाएं कह रही हैं कि कल्पनाओं के साथ साथ में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, आपको थोड़ा सा कामयाब होने के लिए अथक परिश्रम करना है, तो कर डालो, क्योंकि परिश्रम भी इसी जिंदगी में होना है दोस्तों, इस जिंदगी के बाद नहीं होना है, और इस जिंदगी का परिश्रम इस जिंदगी में भी काम आएगा, आने वाले जन्मों में भी काम आएगा, क्योंकि कर्मठता की कहानी आपके बारे में ये चांद साफ रूप से कहता है, स्पष्ट करता है। चंद्रमा अंगूठे पर है तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप निश्चित रूप से कर्मठ हैं और आप जरूर अपने लाइफ में सक्सेसफुल जरूर बनेंगे। ये चंद्रमा कल्पनाओं का समुद्र, यूं ही मैंने नहीं कहा, अंगूठे पर बना चंद्रमा कल्पनाओं का, इमेजिनेशन का पहाड़, इमेजिनेशन का समुद्र ऐसे ही नहीं है। ये कह रहा है चंद्रमा, और चंद्रमा आपको पता है, चंद्रोददाति धनकांचन भूमि लाभम,
चंद्रमा में अंगूठे के नाखून पर चंद्रमा का मतलब है चंद्र ग्रह। और चंद्रमा जिन पर प्रसन्न होता है उनके जीवन में दोस्तों चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम। किसके लिए क्या चाहते हो, बंगला गाड़ी मकान शोहरत सुंदरता और ये नए फेम, ये सब चीजें आसान है पाना। बस जिसने भी पाया है उसको उसने मेहनत करी है, आपको भी मेहनत करनी है। इस बात की गारंटी है कि आपकी मेहनत के बाद आपको फल मिलेगा ही मिलेगा और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसी चीज को तो क्लियर कर रहा है आपका चांद। अंगूठे पर चांद है ना, तो मेहनत करने से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, यही दर्शा रहा है। और भी बहुत सारी डिटेल्स जाननी है तो ये पूरा प्लेलिस्ट है आपको मैं दे रहा हूं वीडियो के एंड में। इन वीडियोस पर जाइए, अंगूठे के चंद्रमा का निशान, संकेत, असलियत, रहस्य, ये सारी चीजें आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी, इन वीडियोस में मिलेंगी। आप जाइए देखिए और भी डिटेल्स में, गहराइयों में जाइए। लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों से, प्रेमियों से, भाव भक्तों से, अच्छे लोगों से शेयर करना बिल्कुल मत कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर बनता है मेरे दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी ये वीडियो आप तक और भी लोगों को इस वीडियो का लाभ हो पाएगा। तो आप अच्छे इंसान हैं ही, तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।